Me dirás que como... ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Toda la puerta! ¡Ya le cae que me le va! ¡Va! अरे भाई साहब बहुत ही शिद्दत से लिखा, गंदी राइटिंग में है लेकिन बहुत ही बढ़िया लिखा है। ये तुमने लिखा है? हाँ भाई साहब, 25 रुपए वाले पेन से लिखा है। मेरे रस के कमल। बिल्कुल भैया, कौन सा चौन चाटा पड़ेगा ना, ये वाला काल दूसरे गांव में जाके टपक जाएगा। बेवकूफ तुम जाओ। क्या हो गया भाई, क्या हो गया, काहे कवि सम्मेलन की गरिमा गिरा रहे हो? अरे कॉपीड गाना सुना रहे। अरे कोई और सुना दीजिए त्रिवेदी जी। अरे कोई और सुन लो दद्दा, उसमें कहा है? हाँ, कोई और, हाँ, कोई और। और सुनो कि कोई दीवाना कहता है। तुम्हारा त्रिवेदी जी, त्रिवेदी जी पगला गए क्या? कुछ अपना सुनाइए, तलकता भड़कता एकदम। तो लो भैया, तलकता भड़कता लो, लो अब बिल्कुल तलकता भड़कता आ रहा है। हेलो हेलो, एक दो तीन, हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही। हेलो, ज्यादा माइक पे ना घुसो, मुंह चपक जाएगा। हाँ लो 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 लो, कि बंदर मामा पहन पजामा। हाय कर, दिमाग खराब करे। हमको तो समझ में नहीं आता, पता नहीं कहाँ करावा कर कवि सम्मेलन में। तो काय आए हुए? मजा। माफ कीजिएगा भाई लोग, आपको कष्ट हुआ। अगले कवि को बुलाने से पहले एक शायरी सुनाना चाहूंगा। स्वागत है, स्वागत है। कि आसमां में उड़ती चिड़ैया, जमीन पे रहते पशु। क्या बात है बाबा। कि आसमां में उड़ती चिड़ैया, जमीन पे रहते इनके जैसे पशु। कि वृक्षों में है जीवन, इसकी खोज की थी जगदीश चंद बसु ने। चलिए छोड़िए, समझी नहीं आया होगा। अगले कवि का स्वागत कीजिए श्रीमान चप्पल लाल अग्निहोत्री। आइए जी चप्पल जी, आइए। चंदन लिखा भाई साहब, किस तरह पढ़ते हैं? नमस्ते, मैं आज यहाँ। तुम वही होना जो कल नोक वाली गली में छत पे खड़े होके हमको देख के हंस रहे थे, है ना? और हमने कहा भी था काहे की से बगार रहे हो, है ना? है ना? है ना? हाँ। मैं बचपन में निर्वस्त्र होकर पूरे गांव में घूमता था, तब से कविता पाठ कर रहा हूँ। मजाक लग रहा है आप लोगों को? मजाक लग रहा है तभी नीचे बैठे हो। वो एक समय था और उस वक्त मेरे समक्ष सिर्फ गुप्ता जी हुआ करते थे। इन्होंने ही मेरा सहयोग किया और इन्हीं के सानिध्य में मैंने कविता पाठ करना सीखा है। और आज मैं गुप्ता जी को सहृदय धन्यवाद दे। गुप्ता जी, मोबाइल दम दीजिए थोड़ी देर, भाग नहीं जाएगा कहीं, आप ही के पास रहेगा। पता नहीं कहाँ कहाँ, चलो कविता पढ़ते हैं। मेरी आज पत्नी से लड़ाई हो गई। क्या मजा, कौन सा रास्ता? क्या मजा आ गया आपको पहली पंक्ति में ही? ऐसा आपको क्या नजर आ गया जो लग रहा है कि मैंने कह ढा दिया? कविताएं सिर्फ हास्य रस के लिए नहीं बनाई जाती हैं। अरे छोड़िए उस चप्पल जी, सारी गलती कुछ ज्यादा ही गलती हो रही है, देखे रहिएगा कहीं गलती का थोड़ा भर ना जाए हमारे। मेरी आज पत्नी खराब हो गया, खराब हो गया। मूड क्या सुना है बताइए। कविता सुनाने के लिए एक मूड बनाना पड़ता है, बंदे ने खराब कर दिया मेरा। सुनाओ यार, सुनाना है तो घंटा भर से मन उन्ना ले गए हो। अबे कुछ नहीं हुआ, आप मोबाइल चलाइए बस। माफ कीजिए आप लोगों को, एक बार फिर कष्ट हुआ। कुत्ती दर्द कष्टी तो हो रहा हो, क्या रहा है? कोई कविता सुनाने वाला तो है नहीं, कभी सम्मेलन रखे हो। हमने अगर कष्ट दे दिया तो यही भगवान के नीचे बल्ली गिर पड़ोगे। अरे माफ कीजिए, माफ कीजिए। अगले कवि को बुलाने से पहले एक शायरी सुनाना चाहूंगा। कि गाय हो या बंदर हो, सबका करो आदर। क्या बात है, क्या बात है। जी हाँ, गाय हो या बंदर हो, सबका करो आदर। पैर उतने ही फैलाओ जितनी लंबी चादर हो।
कवि का स्वागत कीजिए। वरिष्ठ कवि हैं श्री हृदय बचकान तिवारी जी। हृदय बचकान तिवारी जी स्वागत है आपका। हृदय बचकान तिवारी जी आइए। हृदय बचकान जी आइए। छुगी बकबक नहीं करूंगा, सीधे कविता पर आता हूँ। हरी डाल पर बैठा हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ। पहला कवि देखा जो आज सच में लगता सुनाया। प्रणाम महाराज। अरे सब गंवार तो हम थोड़ी गंवार हूँ। आगे सुनो। पीछे ताश खेली जा रही। अब कौन ताश खेल रहा यार? तुम लोग को थोड़ी देर राहत नहीं हो रही? जितनी देर कवि सम्मेलन चल रहा उतनी देर में तुम लोग जुआ ताश सट्टा सब खेल डालो। आज हमारे ऊपर का चिल्ला रहे हम खेल लेगा। ए बेटा ये हमारी कविता पहली पंक्ति। पीछे ताश खेली जा रही, ज्ञान की बातें पेली जा रही। अरे बेटा अभी तो कुछ नहीं, अभी आगे सुनो। हमने कहा पापा से बैठ ला दो मेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुई डाली तेरे लिए। अरे और सुनो, खड़खड़ा पैर पे चढ़ गया जान जा रही। खड़खड़ा पैर पे चढ़ गया जान जा रही। पंखा मंच पे गिर गया एम्बुलेंस आ रही। क्या मजा आ रही? ना कोई रास्ता ना पूछा क्या सुना? हमको समझ नहीं आता इसे लोग कभी कैसे बन जाते। बेटा दिमाग चलाओगे तो समझ में आएगा, खाली मुंह चलाओगे तो कद्दू कुछ नहीं आएगा। ये बात दिमाग है ये नहीं। दिमाग नहीं का बच्चा, गोबर भरा का। अरे ऐसे लोगों पे हम एक शायरी सुनाते। रुको हास्य कवि के रस का भैया कैसे बनाई जूड़ा। हास्य कवि के रस का भैया कैसे बनाई जूड़ा, जब कविता समझ में आए नहीं दिमाग भरा कूड़ा। बैठ कीजिए।